जिला मुरादाबाद के गांव पैगम्पुर पूर्व सुखवासी लाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भारत सरकार से चीनी सामान की बहिष्कार की भी मांग उठाई। साथ ही वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी साहब, मेरा नाम राहुल पाल, मैं खंड संयोजक हूँ। अच्छा, ये जो पुतला फूंक रहे हैं आप, ये क्या है? ये सब पुतला है चीनी राष्ट्रपति का, जो हमारे बीच से स्थानीय शहीद हुए हैं बॉर्डर पे लद्दाख में, उसको लेकर यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है और चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा कमलदीप शर्मा नाम है। कौन सा गाँव? मैं पैगम्बरपुर गाँव है और छजैटखंड का खंडकार हूँ मैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। ठीक, आज हमने चीन में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं वहाँ पे, तो उनके हमने प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करी और चीनी सरकार के सामान का हमने बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। हमारे देश में जितना चीनी सामान यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स हैं, सारी चीज़ों का हमने लोगों से कहा कि उसका कम से कम यूज करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, प्रोत्साहन दें कि स्वदेशी को आगे लाना पड़े, हमें स्वदेश की चीज़ों को हम आगे लाएं, जिससे हमारे देश को गति मिलेगी, हमारे समाज को गति मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे। इसलिए हमने ये थोड़ा सा छोटा सा विरोध किया चीनी सामान का और अपने जवानों को, वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए मैं अपने गांव के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, पुलिस वाले यहां पे जो हमारे माननीय चौकी प्रभारी आए उनका धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, मीडिया कर्मी जितने भी आए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।